लड़का अपने पिता को पैसे निकालने में मदद कर रहा था। उसे नहीं पता था कि एटीएम से पैसे किस तरह निकाले जाते हैं। तभी अकाउंट बैलेंस 10 गुना बढ़ जाता है, इसलिए वो उत्सुक था और उसने कुछ और ऑपरेशन किए। तभी अकाउंट बैलेंस फिर से 10 गुना बढ़ जाता है। उसके पिता ने उसे कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन जैक को एक आखिरी बार ऐसा करना है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अकाउंट में मौजूद पैसे 1000 गुना बढ़ चुके थे। ये लड़का तो स्कैम करने में हर्षद मेहता का भी बाप निकला। जैक अभी केवल 10 साल का है, लेकिन उसका आईक्यू सामान्य लोगों से 200% ज्यादा है। वो अपने विजन चार्ट को देखकर ही याद कर सकता है। टेस्ट के दौरान ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गया। जैक बिना सोचे समझे उत्तर लिख सकता था। प्रोफेसर ने इसे देखा और कहा कि अगर तुम्हें आंसर याद नहीं तो गलत आंसर मत लिखो। तभी उसे पता चलता है कि सभी आंसर सही थे। एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसका आंसर कैलकुलस मेथड से लिखा था। प्रोफेसर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने आह भरी और मुड़कर चला गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे इस बूढ़े आदमी ने जंगल से उठाकर अनाथालय भेज दिया था। डॉक्टर ने पाया कि उसकी याददाश्त चली गई थी। वह भूल गया कि उसके माता पिता कौन थे और उसे नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है। उसे केवल अपना नाम जैक याद था। इस कपल की शादी को कई साल हो गए थे और कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जैक को गोद ले लिया था। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चलता